हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ सिमिलैक आइसोमिल मिल्क पाउडर के बारे में, जो खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है, यानी कि न्यू बोर्न बेबी से लेकर के 24 मंथ्स तक के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। लेकिन आपने इसको देना कब ज़रूरी हो जाता है? वो ख़ास तौर पर तब जब बेबी अपनी जो है माँ के दूध पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि काफ़ी सारी मदर्स को फीड नहीं आता है, फीड नहीं करा पाते हैं वो। ऐसे में बेबीज़ के लिए अगर वो बच्चों को टोन मिल्क पिलाते हैं, फुल क्रीम मिल्क पिलाते हैं, इवन चाहे फिर दूध गाँव का है या फिर बफेलो मिल्क है, किसी भी टाइप का दूध बच्चे को नहीं पचता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं। टोटली कहने का मतलब ये है कि बच्चे को दूध जो है नहीं पच पा रहा है। तो आप ऐसे में बेबी को बेहिचक होकर के आप ये जो मिल्क पाउडर है इसको आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रही हूँ, बल्कि मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इस मिल्क के बारे में वो आपके सामने रख रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये मिल्क पाउडर मेरे बेबी के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। ये प्रिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं साफ साफ, जिसमें लिखा हुआ है दो मेडिसिंस के साथ उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है, क्योंकि मेरे बेबी को जो है पैकेट का दूध सूट नहीं करता, उसको पच नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि जब तक बेबी 1.5 साल तक का नहीं हो जाता है, तो ऐसे में बेबी को ये जो मिल्क पाउडर है ये आप वाटर के साथ मिक्स करके इसको पिला दीजिए, और उसके बाद बेबी को दूध में जो है पचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इन्होंने एज और जो है जो मिल्क की क्वांटिटी है वो दे रखी है। इसका MRP है 495 और इसका जो वेट है वो है 400 ग्राम्स। सोया इन्फेंट फॉर्मूला है ये। एज का जैसे मैं बता चुकी हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 24 मंथ्स तक के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इसका दिया हुआ है। इसकी प्रिपेयरिंग का जो तरीका है वो डिब्बे के ऊपर ही आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको प्रिपेयर करने में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो आइसोमिल मिल्क पाउडर को लेकर के। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।